हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। दोस्तों, विंटर सीज़न करते करते जल्दी से आ भी गया। इस सीज़न में हमें बेहतरीन सब्ज़ी मिलती है और वो अगर हमारे गार्डन में मिले तो कितना अच्छा। ऑर्गेनिक सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं अपने गार्डन में सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाती हूँ, भले ही सब्ज़ी कम मिले जगह की कमी की वजह से, लेकिन कुछ सब्ज़ियाँ ज़रूर उगाती हूँ। दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में सब्जियां उगा सकते हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो है और सीजनल भी। कुछ सब्जियां जैसे टमाटर, मिर्ची, बैंगन, करेला, धनिया, मेथी तो होना ही चाहिए आपके किचन गार्डनिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे करेले के विषय में बात करूंगी। करेले का बोटानिकल नाम मेमोर्डिका चरांसिया है। ये कुकरबिटेसी यानी कि पम्पकिन फैमिली को बिलोंग करते हैं। करेले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इनमें विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फोलेट, जिंक, फॉस्फोरस, मैंगनीज और हाई डाइटरी फाइबर्स होते हैं। आयरन से भरपूर ब्रोकोली में जितना बीटा कैरोटीन होता है उसका डबल, और आप यकीन नहीं करेंगे, पालक में जितना कैल्शियम होता है उसका डबल कैल्शियम करेले में होता है, और केले में जितना पोटेशियम होता है उसका डबल करेले में होता है। इसलिए करेले का जूस पीना बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये हमारे खून को साफ करता है। डायबिटीज़ के मरीज़ को करेला बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि ये शुगर लेवल्स को कम करता है, पिंपल्स के प्रॉब्लम्स को दूर करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और वज़न कम करने में मददगार साबित होता है। करेले को सभी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। करेले को गर्मी, बरसात और ठंडी में भी लगा सकते हैं। आप इसे पॉट, कंटेनर्स या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ग्रो बैग में सब्जियां बहुत अच्छे से चलती हैं। कंटेनर्स या पॉट आप 12 इंच का ले सकते हैं। करेले की वाइन 5 मीटर तक लंबी ग्रो कर सकती है। इसे कारवेलिका, करेल, करेली या कारले, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। इनकी पत्तियाँ 5 से 7 खंडों में विभक्त होती हैं। इनकी पत्तियाँ बहुत ही सिंपल अल्टरनेट हरे रंग की होती हैं। इनमें टेंड्रिल्स निकलते हैं जिनमें सेंसरी टच होता है। ये टेंड्रिल्स किसी ऑब्जेक्ट के टच में आए तो उसे सेंस करके उसके राउंड करके जकड़ लेते हैं। क्योंकि करेले की बेल नाजुक होने के कारण उसे सहारे की ज़रूरत पड़ती है और ये सहारा टेंड्रिल देते हैं। करेले के पौधे पर अलग अलग 2 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर के मेल और फीमेल फ्लावर्स आते हैं। इनके फीमेल फ्लावर से फ्रूटिंग होती है। मेल और फीमेल फ्लावर्स की पहचान आसानी से की जा सकती है। मेल फ्लावर के पीछे कोई फ्रूट नहीं होता, जबकि फीमेल फ्लावर के पीछे एक छोटा सा करेला फूल के पीछे होता है। मेल फ्लावर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जिनमें येल्लो सेंटर होता है और कोन शेप का बेस होता है, और फीमेल फ्लावर कम आते हैं, उसका सेंटर ग्रीन होता है। करेले कई वैरायटी, शेप और साइज में आते हैं। करेले हरे रंग से लेकर हल्के सफ़ेद रंग तक आते हैं। इनके बीच में कई रंग के शेड्स में भी आते हैं। करेला जैसे जैसे हरे रंग से येलो रंग का होने लगता है वो और भी कड़वा हो जाता है, इसलिए इसे हरे रंग के होते हुए सब्जी बनाकर खाया जाता है। इसका फ्रूट जब पक जाए तो आश्चर्यकारक रीति से स्प्लिट होता है और बैक साइड में कर्ल होता है, यानी कि मुड़ जाता है और अपनी बीजों को एक्सपोज करता है ताकि बीजें जमीन में गिरे और नई शुरुआत हो। अपने किचन गार्डन में सब्जी का उत्पादन बहुत ही आनंददायक और संतोषजनक बात है, क्योंकि ये प्योर होते हैं, कोई मिलावट नहीं होती है और टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। कड़वा करेला गुणों से भरपूर अपने किचन गार्डन में ज़रूर उगाइए। आशा करती हूँ आपको करेले के विषय में जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शेयर करें अपने दोस्तों से। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर और लाइक करें मेरे फेसबुक पेज पर। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।